हम जो आपको सुना रहे हैं वो गलत नहीं है। ऐसा हुआ है माउंट आबू में, जहां भालू ने एक महिला पर हमला बोल दिया। भालू के हमले में महिला के चेहरे से उसकी आंख निकल गई। अस्पताल में भर्ती इस महिला के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। इस महिला की जान तो बच गई, लेकिन इसकी एक बेशकीमती चीज खो गई। एक ऐसी चीज जिसे इसे कुदरत ने बख्शा था, एक ऐसी चीज जिसके बिना कोई खूबसूरती को नहीं महसूस कर सकता, एक ऐसी चीज जिसके बिना बुराइयां दिखाई नहीं दे सकती। इसने अपनी वो चीज खो दी जिसके बिना जीवन कठिन हो जाता है। जहां इस महिला की आंख खो गई थी, वो जा रही थी दर्शन करने और जब वापस लौट रही थी तो रीच सामने चट्टान पे बैठी हुई थी और उसने अटैक करके उसको घायल कर दिया। और उस घायल के टाइम ये हुआ कि जो उसकी आंखें थी वो रीच ने निकाल दी थी बाहर। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस महिला की ये हालत कैसे हुई, ऐसा इसके साथ क्या हुआ जो उसकी आंख खो गई? तो आइए आपको बता दें कि अपने पोते के साथ मंदिर से लौट रही थी ये महिला। रास्ते में इस पर भालू ने हमला बोल दिया। भालू ने वार सीधे सीधे इसके चेहरे पर किया। नतीजा ये हुआ कि इसकी आंख निकल गई। ये इतिहास में पहली बार ही ऐसा होगा कि कोई जीवित व्यक्ति अपनी आंख किसी दूसरी व्यक्ति के लिए दान दे रहा है। एक और बात में हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये आंख इस व्यक्ति के काम में नहीं आती है, क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा ही काम में हम ले सकते हैं। भालू के हमले के बाद परिवार के लोग जब इसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन परिवार वालों को जब इस बात का पता चला कि इसकी आंख गायब हो गई है तो उनके होश फाख्ता हो गए। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आंख गई तो कहां गई? आखिर आंख को भालू खा गया या फिर भालू के हमले में आंख खत्म हो गई? महिला की आंख के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिरोही से कोमल यादव के साथ समय राजस्थान। तो महिला की आंख लापता होने की जानकारी से परिवार परेशान हो गया, लेकिन बेटा तो बेटा होता है, वो अपनी मां की आंख ढूंढने निकल गया। मां की आंख ढूंढने निकला बेटा। डॉक्टरों के मुंह से अपनी मां की आंख लापता होने की जानकारी मिलने के बाद बेटा उसी जगह पर पहुंचा जहां भालू ने हमला किया था। बेटे के ढूंढने पर आंख मिल गई। आंख वहीं झाड़ियों के पास पड़ी हुई थी। मां की आंख झाड़ियों में मिलने के बाद बेटा उसे लेकर फौरन अस्पताल भागा, इस उम्मीद में कि आंख शायद एक बार फिर उसकी मां को लग जाए। उसने डॉक्टरों को जब आंख सौंपा तो डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों चौंके डॉक्टर? डॉक्टरों ने जब महिला की आंख देखी तो उन्हें चौंकना ही था, क्योंकि आंख के साथ कुदरत ने करिश्मा कर दिया था। हमले के 12 घंटे बाद भी आंख सही सलामत थी। इस आंख में रोशनी कायम थी। ये आंख किसी को रोशनी दे सकती है। आंख के साथ हुआ करिश्मा। भालू के हमले में निकली आंख के साथ कुदरत ने करिश्मा किया। जी हाँ, इसे करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि शरीर से अलग होने के 12 घंटे बाद भी आंख में रोशनी कायम रही। जानकारों के मुताबिक घटना के बाद रात भर हुई बरसात से आंख को नमी मिलती रही, जिससे ये सलामत है। कुदरती मेहरबानी हुई कि कल बारिश हो गई है, तो बारिश के बाद ये आंख नम रही है और ये आंख बिल्कुल लगाने की कंडीशन में है। दूसरे को रोशनी क्यों देगी आंख? जिस महिला की ये आंख है अब ये फिर इसे रोशनी नहीं दे सकती। वजह ये कि इसकी आंख के आसपास की नसें खराब हो चुकी हैं, कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में इसकी अपनी ही आंख इसे दोबारा नहीं लगाई जा सकती और इसका कार्निया दूसरे को रोशनी दे सकता है। भालू के हमले का शिकार बनी महिला ने तो अपनी आंख गंवा दी है, लेकिन इसे शायद ये नहीं मालूम कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी जीवित शख्स की आंख किसी दूसरे की दुनिया रोशन करेगी। और हादसे का शिकार बनी इस महिला को इस बात पर फख्र होना चाहिए। कोमल यादव, समय राजस्थान, सिरोही।